हाँ म्यूट कर लो, और हो सके तो वीडियो भी ऑफ कर लो, क्योंकि मुझे आप लोग अभी नहीं दिखने वाले हो व्हेन आई विल शेयर माय स्क्रीन। सो यस, तो ये सो व्हाट आई नीड टू टेल यू हियर इज आर्किटेक्चर ऑफ 8085 एंड नाउ व्हाट एवर द प्रोग्राम वी हैव डन वी विल ट्राई टू क्लब दोस थिंग्स राइट। अगर आप लोगों के पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, सभी के पास प्रोग्राम लिखा है क्या वो उस दिन वाला? नहीं होगा तो वो मेरे ख्याल से मैंने व्हाट्सएप पर भेजा है, वो प्रोग्राम आप लोग चेक करो तो आपको पता चलेगा कि हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, है ना। सो वी वर ट्राइंग टू एड 2 8-bit नंबर्स राइट, समझा क्या इतना? हेलो सुन रहे हो? हेलो ओके राइट, यू कैन चैट ऑन चैट बॉक्स राइट। सो In that what we have done, the first instruction that we used was MVI A03. Am I right? MVI A03, right? तो अब मैं आपको बताता हूं ये instruction, ये architecture में क्या होने वाला है। तो मैंने कहा वो instruction से move immediate the data to the register accumulator, right? तो अब ये इंस्ट्रक्शन का जो ऑपकोड है वो है 3E। तो पहले क्या होगा, जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो ये एड्रेस बफर जो है, एड्रेस बस जो है, ये एड्रेस बस मेमोरी लोकेशन 6000 पर जाएगी, और 6000 पर जाने के बाद वो 3E ये जो डेटा है इसको काय में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट किया 3E को तो क्या हो जाएगा, उसका 8-bit डेटा बन जाएगा। ये 8-bit डेटा, ये जो डेटा लाइन है ये डेटा लाइन पर आएगी, और उसके बाद दैट विल गो टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में अब 3E आ जाएगा। 3E आने के बाद ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन कोड एनकोडिंग, ये वाला जो यूनिट है ये उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा कि काम क्या करना है। ये काम करने के बाद वो उसको बताएगा, यानी माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा, ये टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को बताएगा कि कौन सी चीजें हाई रखनी। अब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर डिकोड हो गई, वो बताएगा दिस इंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू द एक्यूमुलेटर, तो वो एक्यूमुलेटर को हाई कर देगा। दिस इंस्ट्रक्शन इज से रिलेटेड विद अ डायरेक्ट और इमीडिएट डेटा, सो वो डेटा लाइन को चालू रखेगा। नेक्स्ट जैसा ही वो इंस्ट्रक्शन आएगा, नेक्स्ट यानी उसके बाद का इंस्ट्रक्शन जो भी रहेगा, दैट इज सपोज टू बी द डेटा। तो अब 03 इज द डेटा, ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जाएगा, ये प्रोग्राम काउंटर विल कीप द ट्रैक ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। तो पहला मेमोरी लोकेशन कौन था 6000, यहां से क्या आया 3E आया ये डेटा बस से, और वो कहां गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसने डिकोड कर दिया, और अब टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, एक्यूमुलेटर को बता दिया कि तुम्हारा काम है। और अब डेटा बस क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, दैट इज इन आवर केस 6001। फिर 6001 पे क्या है, डेटा है अपना 3E, सो 3E ये डेटा बस पे जाएगा, ये डेटा बस से 8-bit डेटा यहाँ एक्यूमुलेटर में आके स्टोर हो जाएगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, प्रोग्राम काउंटर फिर से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन आएगी दैट विल बी 6002। 6002 पर कौन सा मेमोरी, कौन सा ये है ऑपकोड है 06, विच इज MVI B04, मतलब मूव इमीडिएट द डेटा 04 इन रजिस्टर बी। ये फिर से कहां जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, ये मशीन कोड ये यूनिट उसको डिकोड करेगा। अब टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को वो बताएगा कि अब आपका जो ये है वो है रजिस्टर बी को एक्टिवेट करना है, अब रजिस्टर बी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर प्रोग्राम काउंटर विल इंक्रीमेंट द काउंटर एंड देन इट विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट, मैं गिन 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 सो मच, दैट इज
6003 में क्या जाएगा, अभी 04 है जो हमारा डेटा है, तो वो एड्रेस बस पे आएगा एंड देन इट विल मूव टू, फ्रॉम हियर इट विल मूव टू रजिस्टर बी। सो अब रजिस्टर बी में आ गया 04, रजिस्टर ए में आ गया 03। समझा के इतना? इसके बाद प्रोग्राम काउंटर विल अगेन इंक्रीमेंट टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, दैट इज नाउ 6004। 6004 पे कौन सी इंस्ट्रक्शन है, एड बी, जिसका ऑपकोड है 80। अब ये 80 जो है ये 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट होके यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा, ये फिर से डिकोड करेगा, वो बताएगा टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को कि अब क्या फॉलो करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। किसका किसका एडिशन परफॉर्म करना है, रजिस्टर बी का डेटा और रजिस्टर एक्यूमुलेटर का डेटा, ये दोनों को ऐड करना है। कौन को किसकी किसकी जरूरत है, एक्यूमुलेटर की जरूरत है यहाँ पर, रजिस्टर बी की जरूरत है यहाँ पर, टेम्पररी रजिस्टर की जरूरत है, फिर अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट की भी जरूरत है, तो हमको ये बताना पड़ेगा इसको। तो टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट जो है वो अब इन सबको एक्टिवेट रखेंगे, एक्यूमुलेटर को एक्टिवेट करेगा, फिर उसके बाद टेम्पररी रजिस्टर को एक्टिवेट करेगा और रजिस्टर बी को एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले रजिस्टर बी का डेटा यहाँ टेम्पररी रजिस्टर में आएगा, फिर टेम्पररी रजिस्टर आर और एक्यूमुलेटर, ये दोनों का एडिशन यहाँ अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर से वापस यहाँ से आकर एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। Now the data is being stored in the result is being stored in the accumulator again. ये समझ लगा? इसके बाद अब last वाले instruction, अच्छा next instruction क्या है? 6005 पर move A to C. हमने कहा है कि accumulator को बहुत सारे दूसरे भी काम रहते, इसलिए हम लोग accumulator का data नहीं देख सकते, तो फिर हमारे को accumulator का data तुरंत move करना पड़ता है, कहाँ पर, कोई और दूसरे register में या memory location में, तो हम लोग उसको सेव कर रहे हैं, उसको मूव कर रहे हैं रजिस्टर सी में। तो अब क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी और ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के बाद अब किसका किसका काम है, एक्यूमुलेटर का काम है और रजिस्टर सी का काम है। तो एक्यूमुलेटर का डेटा जो है वो कॉपी हो जाएगा कहां पर, रजिस्टर सी में। तो नाउ दिस विल एक्टिवेट, एक्यूमुलेटर ए विल एक्टिवेट एंड C will activate, the data is going to move from register A to register C. तो यहाँ पर आके data यानी अपना result store हो जाएगा। और last instruction है 6006, जिसको बोलते हैं हम लोग halt, यानी अब program खत्म करो। Program खत्म हो गया मतलब अब ये program execute हो चुका है, तो हमारा data कहाँ store है, register C में। समझा गया इतना? तो ये जो मैं आर्किटेक्चर आप लोगों को पढ़ा रहा था, ये आर्किटेक्चर इसके लिए पढ़ा रहा था कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर एक्चुअली द डेटा इज गोइंग टू प्रोसेस, या क्या क्या होने वाला है अंदर। इसलिए हम लोग 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे अभी तक, और हम चाहते हैं कि जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखे तो हमको पता हो कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एक्चुअली वो कहां जाता है और उसके साथ क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, एम आई क्लियर? राइट, तो आई विल स्टॉप शेयरिंग, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। सो ये ऐसा है। हाँ, अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। शोभित, आर यू देयर? यस शोभित, रेणुका वैद्य, मनीषा रघुवंशी, निखिल, निखिल यू कैन आस्क क्वेश्चन। हेलो, समझ में आया बेटा प्रोग्राम? और एल्स यू कैन चैट ऑन व्हाट्सएप आल्सो, व्हाट्सएप पर मैं लाइव हूँ। हाँ शोभित सर, ये जो रजिस्टर्स थे डब्ल्यू जेड बी सी डी ई जो है, हाँ, तो ये यानी कि पर्टिकुलर ऐसे प्लेसेस हैं मेमोरी लोकेशंस की जहाँ पे हम वो स्टोर कर सकते हैं। इट इज नॉट इन द मेमोरी लोकेशन। यस एग्जैक्टली, मेमोरी लोकेशन इज आउटसाइड माइक्रो प्रोसेसर, है ना? अच्छा, मेमोरी लोकेशन वहाँ नहीं है, वहाँ सिर्फ रजिस्टर्स है। दीज रजिस्टर्स आर एक्चुअली 8 फ्लिप फ्लॉप्स।
तो इसमें हम लोग 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं टेम्पररी, राइट। W और C ये जो रजिस्टर्स है, ये रजिस्टर्स हमारे क्या कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है विच वी कैन यूज। W और C हम लोग यूज नहीं कर सकते, प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता। कौन से यूज कर सकते हैं? बी सी डी ई एच और एल, ये यूज कर सकते। समझा क्या? यस सर, यस गुड। मेमोरी लोकेशन इज आउटसाइड, यानी मैंने आप लोगों को वो बताया था चलो लेकर चलता हूँ मैं तुम्हारे को वहाँ पर। मैंने बताया था कि ये जो है मेमोरी ये यहाँ है, ये देखो ये है अपना माइक्रो प्रोसेसर की किट। तो माइक्रो प्रोसेसर के किट में आई विजिबल, माय स्क्रीन इज विजिबल, यस सर, यस सर, थैंक यू। तो मैंने ये बताया था कि ये जो ओपी लिखा हुआ जो दिख रहा है, दिस इज 808, इसके अंदर है रजिस्टर बी सी डी ई एच और एल, इसके अंदर है एक्यूमुलेटर, इसके अंदर ALU है, इसके अंदर अपना टेम्पररी रजिस्टर है, इसके अंदर अपना एड्रेस डेटा बफर बस है, उसके अंदर अपना टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट है, इसके अंदर इंटरप्ट कंट्रोलर है, उसके अंदर सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है, ये सब इसके अंदर है। और मेमोरी यहाँ है ऊपर, ये जो दिख रहे हैं ना स्लॉट्स खाली दिख रहे हैं, यहाँ कहीं तो भी हमारी मेमोरीज लगती है, हम लोग वो एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए वो एक्सपांशन के लिए दी है स्लॉट्स। ये जो लगी हुई है ये मेमोरी है, तो ये मेमोरी है वहाँ पर जहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे, राइट। अब हम लोग एक छोटा सा हम लोग इसको चेंज करते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं कि चलो अब हम लोग मेमोरी को यूज करते हैं, मेमोरी में डेटा रखते हैं, मेमोरी को ऐड करते हैं, तो फिर कैसा इंस्ट्रक्शन कैसे रखेंगे, इंस्ट्रक्शन कैसे होगा, है ना। तो इंस्ट्रक्शन हमको पता होना चाहिए कि कैसा आना चाहिए, कैसा होगा, और फिर हम लोग मेमोरी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले अगर हमको मेमोरी यूज करना है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका एड्रेस हमको HL पेयर में स्टोर करना, बराबर है क्या? कहाँ स्टोर करना है? HL पेयर में। तो HL पेयर में मुझे वो लोड करना पड़ेगा, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है LXIH, वो दोनों होता है पेयर, LXX जहाँ पर आता है दैट मीन्स इट इज़ कंसर्न्ड विद रजिस्टर पेयर। तो मैं अब लिख रहा हूँ LXIH, लोड इमीडिएटली रजिस्टर पेयर HL, राइट। मैं अब उसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दूंगा, तो मैं उसका LXIHL21 इज द ऑपकोड, एंड उसके बाद हमारे को 16 बिट का एड्रेस, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए 6050, तो अब मैं लिखते वक्त क्या लिखूंगा, LXIHL21 इज द ऑपकोड, उसके बाद लिखूंगा 5060, मतलब लोअर एड्रेस पहले जाता है बाद में हायर एड्रेस जाता है। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, LXIHL6050, ऑपकोड में लिखेंगे 21 5060। समझा क्या इतना? हेलो, समझ में आया? है ना। अब सेकेंड डेटा मैं वैसा ही रखता हूँ, MVI A03, राइट। उसके बाद मैं लिखूंगा एड एम। अब जैसे ही मैं ये इंस्ट्रक्शन यूज करता हूँ एड एम, इसका मतलब होता है कि जो मेमोरी लोकेशन या जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस HL पेयर में है, वो एड्रेस पर जो डेटा है वो डेटा हमारे एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना। समझा कि समझा? हाँ। तो अब मुझे 6050 पर जाकर मुझे डेटा भी डालना पड़ेगा, डेटा अपने को पता नहीं वहाँ क्या है, बराबर है क्या? तो जैसा मैंने प्रोग्राम फीड किया था, रीसेट सब्स्टिट्यूट मेमोरी 6000 नेक्स्ट, तो डेटा फील्ड आ गया था, बराबर है। अभी मुझे जब डेटा डालना है तो डेटा भी मैं वैसे ही डालूंगा, क्या डालूंगा, रीसेट सब्स्टिट्यूट मेमोरी
6050, क्योंकि अभी मुझे डेटा कहाँ डालना है, 6050 में। तो फिर मैं डेटा कहाँ डालूँगा, 6050 जाऊँगा, नेक्स्ट प्रेस करूँगा और वहाँ पे डेटा डालूँगा 04। समझा क्या, समझ लो है ना। और जब मैं ऐड एम करता हूँ तो अब 6050 में क्या, कौन सा डेटा है, 04, वो किसके साथ ऐड होगा, एक्युमुलेटर के साथ ऐड। ठीक है, समझा क्या इतना। चलिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखकर बताता हूँ, आप लिखते जाओ, डिक्टेट कर रहा हूँ मैं आपको। सेम यही वाला प्रोग्राम हम लोग फिर से लिखते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो आपको जैसे मैंने फॉर्मेट बताया वैसा फॉर्मेट बना लो। पहले बनाओ मेमोरी लोकेशन, फिर बनाओ लेबल, फिर उसके बाद लेबल के बाद बनाओ क्या था, नेमनिक्स है ना, नेमनिक्स के बाद ऑपकोड और पांचवा कॉलम है रिमार्क्स। एम आई क्लियर, हेलो, राइट। तो लिखिए मेमोरी लोकेशन में सबसे पहले मेमोरी लोकेशन आएगा 600। मैं देखता हूँ यहाँ पर शायद होगा अपने पास, है ना, बना हुआ, हाँ ये वाला, ये क्या, नहीं ये वाला, यस। तो 600 ऐसा जैसा ये लिखा है वैसा ही लिखो, MVI A03 जैसा का वैसा रहने दो, मतलब 3E और 03 वैसा ही रहेगा, क्लियर। उसके बाद 6002 में क्या लिखना है हमारे को, अब उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो पहला वाला मेमोरी लोकेशन दैट इज 6000 में हम लोग लिख रहे हैं MVI A03, इसका ऑपकोड है 3E03, यानी 6001 में आ जाएगा 03। अब आएगा 6002, यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखने हैं LXIH, मेमोरी लोकेशन 6050 और ऑपकोड आएगा 21, फिर लिखना है 50 और फिर लिखना है 60। सो ये देखिए, अगर ये इज इट विजिबल ना, ओके, ये मेरे ख्याल से उल्टा दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा है क्या, नहीं सर क्लियर दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, हाँ सीधा दिख रहा है, चले चले गुड। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, मैंने लिखा है पहला इंस्ट्रक्शन जैसा का वैसा MVI A03 600 पर लिखा है, उसके बाद है, देखो लिखने का तरीका बता रहा था मैं, LXIH 6050, मतलब मुझे मेमोरी लोकेशन कौन सा यूज करना है 6050, उसका ऑपकोड है 21 और फिर हमारे को मेमोरी का एड्रेस देना है, तो पहले लोअर एड्रेस देना पड़ता है दैट इज 50 और उसके बाद लिखा है हमने 60। अब उसके लिए कितनी मेमोरी लोकेशन यूज हो जाएगी, 3, यानी 6003 और 6004, हो गया क्या बराबर ये, ठीक है। तो 6004 पे आ जाएगा 60 6005, राइट, हाँ। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये आने के बाद अब क्या करना है हमारे को, इसको ऐड करना है। तो ऐड के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं हम लोग, ऐड एम। तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ऐड एम। अब ऐड एम का ऑपकोड है क्या किसी के पास, कोई देखकर बता सकता है क्या ऑपकोड ऐड एम का क्या है। मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन का शॉर्ट भेजा है, वो उसको रेफर करो। एड एम दिखा क्या किसी को, है क्या, अरे एड एम दिसला का अपने याच्यावर आहे व्हाट्सअप वर, आणि त्याचा ऑपकोड सांगा, हेक्स लिखा हुआ है उस पर वाले कॉलम में, दिखा क्या, हेलो, 86 यस, वेरी गुड निखिल।
सो 86 इज द ऑप कोड, तो एड एम कर दिया मैंने अभी, 86 आ गया है, राइट right? एक सेकेंड ना, यस सो विल कंटिन्यू. सो 86 लिख दिया है मैंने उसमें, ये हो गया एड एम, मतलब अब क्या हो गया 6050 का डेटा एक्यूमुलेटर के साथ एड हो गया है. एड होने के बाद क्या करना है, अभी हमको मेमोरी में स्टोर करेंगे. चलिए तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए क्या करूं मैं एक और इंस्ट्रक्शन यूज करता हूं 6006 INX H 6007 में हम लोग करेंगे मूव ए टू एम और 6008 में करेंगे हॉल्ट. चलिए INXH का ऑपकोड बताइए, INXH का ऑपकोड है 23. हाँ वेरी गुड. मूव ए टू एम इसका कोड बताओ बरा. ए टू एम मतलब एम पहले आना चाहिए, मूव एम ए आएगा पर उसको पढ़ते हम लोग कैसा है, मूव ए टू एम सेवन ई एक मिनट. हाँ वही बोल रहा हूँ, वो थोड़ा देखो, नहीं सेवन ही नहीं आएगा बेटा, वो एम टू ए है ना, अपने को क्या चाहिए मूव ए टू एम मतलब 77 और उसके बाद हॉल्ट इज 76. चलिए तो ये प्रोग्राम मैंने लिखकर दिखाया है आप लोगों को, दिख रहा है क्या, इज इट विजिबल, हाँ इज इट विजिबल. ओके तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हमने इसमें लिखा है MVI A03 मतलब 03 जो डेटा है वो हम लोगों ने कहाँ मूव किया, एक्यूमुलेटर में 3E और 03 उसके ऑपकोड हो गए. फिर हम लोगों ने क्या किया, HL पेयर को लोड किया काहे के लिए, मेमोरी वाली इंस्ट्रक्शन यूज करने के लिए. तो हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज की, LXI HL, कहाँ पर है वो 6050 में, क्योंकि हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं प्रोग्राम 600 में, तो हमारा वो जो एड्रेस होना चाहिए वो कहीं और होना चाहिए, इसलिए मैंने वो कौन सा मेमोरी लोकेशन लिया 6050. तो उसको लिखते कैसा है 215060, हो गया HL को लोड कर दिया, यानी H और L में 6050 चले गया बराबर. फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एड M, एड M बोले तो एड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन विच इज स्पेसिफाइड बाय HL पेयर, the data of that is to be added with the accumulator, by default ek accumulator mein hona hi chahiye. To ab wo data kahan ja ke add hoga, accumulator ke sath add hoga, aur kahan store hoga, accumulator mein hi store hoga barabar hai. Ab kya kiya hai humne, uske baad ka jo instruction hai wo hai increment HL INXH, matlab kya kiya, HL पेयर को एक से इंक्रीमेंट किया. HL पेयर कितना था पहले 6050, अब क्या हो जाएगा वो 6051, समझा क्या, इतना क्या होगा वो 6051, क्योंकि हमने, क्योंकि अब मुझे वो एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट है वो मुझे वहां स्टोर करना, इसलिए अब मैं उसको वहां पे जाके स्टोर करूंगा, तो मैं वहां उसको लिख रहा हूं INXH किया 6051 हो गया. और अब मैंने इंस्ट्रक्शन यूज की मूव ए टू एम, मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा कहां पे मूव करना है, मेमोरी में मूव करना है. तो मेमोरी एड्रेस कौन सा है अभी 6051, सो अब डेटा कहां स्टोर होगा 6051 में. 6050 में क्या है, अपना पहला ओरिजिनल डेटा है दैट इज 04 शायद हम लोग अगर रखेंगे, और 6051 में क्या स्टोर होगा रिजल्ट. तो जब हम लोग वहां रिजल्ट जाके चेक करेंगे तो वहां हमारे को दिखाना चाहिए. उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने लास्ट इंस्ट्रक्शन जो हमेशा हम लोग यूज करेंगे जनरली हॉल्ट, तो वाला इंस्ट्रक्शन मैंने अभी वहां पे डाला है HLT, उसका ऑपकोड है 76. दिख रहा है क्या ये प्रोग्राम, एम आई विजिबल, यस सर, वेरी गुड. तो ये प्रोग्राम बना है, अब हम लोग यूज करने वाले हैं मेमोरी लोकेशन को, यानी अब मेमोरी लोकेशन जो माइक्रो प्रोसेसर में नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ उसका एड्रेस है,
और मेमोरी लोकेशन कहीं और है, राइट। ये समझा क्या? ये हम लोग करके देख सकते हैं, तो ये हम लोग करके देखेंगे। एक दो सेकंड है आपके पास, एक मिनट मैं किट लेकर आता हूं, फिर हम लोग डालकर देखेंगे, राइट। एक सेकंड, हाँ मैं शेयर करता हूं स्टॉप। यस, सो आई विल, ओके, एम आई विजिबल नाउ? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, ये उल्टा दिख रहा है क्या, ये सीधा ही दिख रहा है? किट सीधी दिख रही है? हेलो पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सा है? रिसेट सब्स्टिट्यूट मेमोरी 6000, इस पर मुझे डेटा डालना है। नेक्स्ट, तो मैं डेटा डालूंगा, क्या था डेटा? 3E, फिर नेक्स्ट 03, ये डेटा डाला, फिर डाला नेक्स्ट, अब करना है हमको LXIH, तो 21, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 60, बराबर है। तो ये मैं डेटा डाल रहा हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ डाल दिया 6050, राइट। अब हमारे को क्या करना है? अच्छा दिख रहा है क्या आपको? ओके, ये थोड़ा सा, हाँ बराबर, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट एड m, इसका इंस्ट्रक्शन क्या है? 86, तो मैं 8 और 6 डाल दिया, एडिशन हो गया। नेक्स्ट क्या करना है? इंक्रीमेंट h, दैट इज 23, 23 कहाँ है? 2 और ये 3, यस। फिर हो गया मूव a to m, तो उसका इंस्ट्रक्शन है 77, ये 77 डाल दिया। नेक्स्ट 76 हॉल्ट, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? रीसेट करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूट मेमोरी करेंगे और जाएंगे अब 6050, ये वाले मेमोरी लोकेशन, यहाँ अपना डेटा डालना है। तो यहां मैं डेटा डाल रहा हूँ 04, कहाँ गया 4, यस ये डेटा डाल दिया। अब यहाँ पर 00 है 6051 में, यहाँ अपना रिजल्ट स्टोर होने वाला है, बराबर है। तो ये मैं अभी ऐसा ही रख रहा हूँ। तो नाउ रीसेट गो, एग्जीक्यूट करना है अपने को 6000 और एग्जीक्यूट, ये हो गया एग्जीक्यूट, ये आया रीसेट। अब हमको कहाँ? मेमोरी लोकेशन में जाके चेक करना है, सब्स्टिट्यूट मेमोरी कौन सा है? 6050, यस, ये वाले मेमोरी लोकेशन पे मुझे डेटा देखना है। नेक्स्ट ये देखो, ये 04 डेटा था, एम आई विजिबल? उसके बाद ये अपना रिजल्ट आ गया 07, राइट। तो ये अभी बंद होने वाला है 2 मिनट 2 सेकंड में। चलो, तो दिस इज हाउ वी हैव डन दैट, तो अपना डेटा आ गया 6051 में, राइट। चलो, इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन राइट इट डाउन एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। Shall we move? So thank you very much for joining. I hope you have understood how to use a memory. Chalo, bye. Take care. Bye. Thank you.